अब आते हैं एसेसरीज के बारे में। एसेसरीज क्या होती हैं? जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल फोन के साथ में कुछ चीजें आती हैं, चार्जर आता है, अडाप्टर आता है और आपकी ईयरफोन भी कई बार आ जाते हैं। तो ये आपने जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉम्पोनेंट है, वो आपका मोबाइल फोन है, बट ये मोबाइल फोन के साथ में उसकी एसेसरीज है। तो कई बार फिर आप उसका कवर खरीदते हैं तो कवर भी उसकी एसेसरीज का पार्ट हो जाता है। ऐसी तरीके से विंडोज भी अपने साथ में, विंडो तो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, लेकिन विंडो भी अपने साथ में कुछ और एप्लीकेशंस देता है जिन्हें हम विंडोज की एसेसरीज कहते हैं। दी एसेसरीज आर द पार्ट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू का पार्ट होती है ये। द एसेसरीज मेन्यू कंटेन्स सम यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम कम अलोंग विद द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस इन दिस मेन्यू आर पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, कैलकुलेटर। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको विंडोज के साथ मिलती हैं। MS पेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ कलर एंड एडिट पिक्चर्स इंक्लूडिंग इम्पोर्टेड पिक्चर्स फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। तो MS पेंट किस लिए यूज होता है? जब आपको कोई ड्रॉइंग करनी होती है तो छोटी क्लास में, फिफ्थ या फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने पेंट चलाया होगा। नहीं चलाया तो फिर भी हम एक बार आपको पेंट की लुक दिखा देते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको और टाइप कीजिए MS PAI। आप जैसे ही PAI लिखते हैं या PAINT लिखेंगे तो पेंट आपको नजर आएगा और आप इसको ओपन कीजिए। अब ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, ये आपकी विंडोज के साथ आता है। अब ये एक पेंसिल है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। आप ये फिल बकेट है, यहाँ से आप इसका कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पेंट नहीं सिखा रहा, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पेंट एप्लीकेशन में क्या होता है। ड्रॉइंग आप कर सकते हैं, आप इसमें पेस्ट के थ्रू, पेस्ट फ्रॉम करके इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आप पेंट में कर सकते हैं, ड्रॉइंग पर्पस के लिए यूज होती है। तो ये एक विंडोज की आपकी एसेसरीज है। उसके बाद कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर तो हम सभी अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, विंडो में भी आप CALC टाइप करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर आपके लिए ओपन कर देता हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर आ गया है, इसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8+9=17, तो 17 आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामर कैलकुलेटर भी आपके लिए आ सकता है। तो डिफरेंट काइंड के कैलकुलेटर विंडोज 10 प्रोवाइड कराता है, लेकिन विंडोज 7 में स्टैंडर्ड और आपका जनरली एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ये आपको मिलते हैं। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन का काम होता है। गैजेट्स ऑन डेस्कटॉप। गैजेट्स डिस्प्ले बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डेस्कटॉप। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर दिखाने के लिए गैजेट्स का यूज किया जाता है। Your desktop may already show one or more gadget from Windows 7 or from the computer manufacturer. तो कई बार जिस कंपनी ने आपका कंप्यूटर बनाया होता है, लैपटॉप या डिजाइन किया होता है, हार्डवेयर होता है, या विंडोज 7 के साथ में भी कुछ आप चीजें गैजेट्स के तौर पे लगा सकते हैं। टू सी ऑल द अवेलेबल गैजेट्स राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक गैजेट्स, द डेस्कटॉप गैजेट गैलरी अपीयर्स। तो विंडोज 10 में तो गैजेट्स ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सीधे सीधे डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज ये ऑप्शन मिलेंगे। गैजेट्स ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पर विंडोज 7 पर मिलेगा और वो बिल्कुल कुछ ऐसा मिलेगा जैसा यहाँ दिखाया गया है। थोड़ा सा जूम हम इसका और बढ़ा लेते हैं। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, गैजेट ऑप्शन, गैजेट की गैलरी आ जाएगी। जो गैजेट अब आप चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पर लगाना वो आप लगा सकते हैं इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज 7। अब आते हैं टाइम एंड वेदर गैजेट। तो ये एक गैजेट के बारे में बताया, टाइम एंड वेदर गैजेट। तो इसमें आपके कंप्यूटर पर एक क्लॉक आ जाएगी, आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर भी लगा सकते हैं एक्सटर्नली, लेकिन जनरली ये विंडोज 7 पर अवेलेबल होता है। अब वर्किंग विद विंडोज 7, विंडोज 7 पर कुछ सेटिंग्स हैं, लाइक चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड माने आपके कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसके पीछे का वॉलपेपर बदलना। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड इमेज ऑन डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। तो उसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं कि आप ब्लैंक एरिया पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। विंडोज पर आप जाइए, फिर विंडोज 7 पर आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको लुक नजर आएगी और यहाँ पर आप कोई भी, ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को बदल सकते हैं। विंडोज 10 में क्या ऑप्शन है, राइट क्लिक कीजिए, आपको पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा। पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे तो विंडोज की सेटिंग्स वाला जो पूरा पैनल है वो आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड में पिक्चर है, तो पिक्चर भी है, सॉलिड कलर भी है, स्लाइड शो भी है। तो हमने पिक्चर ऑप्शन लिया और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके आप उस कोई भी पिक्चर अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड ऑप्शन है।
इसी तरीके से एक लॉक स्क्रीन होता है। तो लॉक स्क्रीन यानी जैसे हम अपने मोबाइल फोन में देखते हैं कि हमारा मोबाइल फोन कई बार बंद हो जाता है और जब आप उसे ऑन करते हैं, तो जब आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देते हैं तो वो बंद होता है, वो लॉक स्क्रीन पर आ जाता है। तो उस समय वॉलपेपर कुछ और होता है और जब आप वो फोन अनलॉक होता है तो वॉलपेपर कुछ और होता है। विंडोज 10 में आपको लॉक स्क्रीन और बैकग्राउंड दोनों के वॉलपेपर बदलने के ऑप्शंस मिलते हैं। थीम ऑप्शन है, विंडोज 7 में भी थीम मिलते हैं। आप ऑलरेडी विंडोज में बहुत सारी थीम्स होती हैं, उन थीम्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर ये विंडोज 7 में थीम्स हैं, आप इन थीम्स का भी यूज कर सकते हैं। चेंजिंग स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर इज अ मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन व्हेन यू हैव नॉट यूज्ड द माउस और कीबोर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम। इट प्रिवेंट्स डैमेज टू स्क्रीन। यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर। सो स्क्रीन सेवर क्या होते हैं? ऐसे मूविंग पिक्चर्स होते हैं जब आपकी स्क्रीन लॉक मोड पर चली जाती है या आप एक निश्चित समय के लिए अपने कंप्यूटर को यूज करना बंद कर देते हैं, तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम आप अपना कीबोर्ड और माउस टच नहीं करते, तो स्क्रीन सेवर एनेबल हो जाता है। स्क्रीन सेवर विंडोज 7 पे लगाने के लिए आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पर जाना है, स्क्रीन सेवर बटन मिलेगा और वहां पर आपको स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन पे से अपना कोई भी स्क्रीन सेवर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप फिर यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन सेवर अप्लाई कर सकते हैं और आपके विंडोज पर स्क्रीन सेवर लग जाएगा। यही काम अगर आपको विंडोज 10 में करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन नाम का ऑप्शन है और इसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन सेवर सेटिंग। ये आपका स्क्रीन सेवर आ गया सेटिंग के लिए। अभी कोई स्क्रीन सेवर नहीं लगा है, देखिए बबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ आपने लिखा 1, यानी विद इन अ 1 मिनट जब आप अपने कंप्यूटर को छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रीव्यू इस तरीके से नजर आएगा, देख रहे हैं आप बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीन सेवर अपने कंप्यूटर पर लगा सकते हैं। तो विंडोज 7 में भी ऑप्शन बिल्कुल सेम ही है और विंडोज 10 में भी ऑप्शन सेम है, बस स्टेप थोड़े से अलग हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम चलते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं जो बुक में दिए हुए हैं। विंडोज एक्सप्लोरर इज द मेन टूल दैट यू यूज टू इंटरेक्ट विद विंडोज 7। किसी भी विंडोज से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक्सप्लोरर ऑप्शन। यू विल नीड टू यूज द विंडोज एक्सप्लोरर टू व्यू योर लाइब्रेरीज फाइल्स एंड फोल्डर्स। हमारे कंप्यूटर में जितनी फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, ये सब देखने के लिए हम विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, अपने कंप्यूटर आइकन को या किसी भी फोल्डर के आइकन को आप खोलेंगे तो विंडो एक्सप्लोरर आपका खुल जाएगा, या कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। विंडो माने स्टार्ट बटन, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के पास में ये विंडो की होती है और आप विंडो के साथ ई दबाएंगे तो अब ये आपका विंडो एक्सप्लोरर खुल गया। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है फाइल एक्सप्लोरर, ऐसे ही यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है ये भी विंडो एक्सप्लोरर की ही स्क्रीन है। उसके बाद में आप अगर विंडोज 10 चला रहे हैं तो कॉर्टाना में भी आप सर्च कर सकते हैं एक्सप्लोरर ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन या explorer.exe, ये आप रन मेन्यू पर जाकर के भी चला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमें मेन स्टेप ये है कि विंडो एक्सप्लोरर से होता क्या है। अभी मैं विंडो ई करता हूँ, ये आपका विंडो एक्सप्लोरर आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आपके कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी ड्राइव्स हैं, सब नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे क्या क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, तो डॉक्यूमेंट में कितने फोल्डर हैं, सारे फोल्डर नजर आ गए। इस पे आप जिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लक्ष्य शर्मा, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर कोई डिस्प्ले कुछ नहीं है। डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो डेस्कटॉप पर 3 फोल्डर हैं, 1 फोल्डर है और 2 आइकन है। तो आप किसी भी ड्राइव में जाकर के किसी भी ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सी ड्राइव पे क्लिक किया तो सी में ये फोल्डर है। इस एरो से इसको और एनेबल किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम फाइल पर क्लिक किया तो आप देखिए और ऑप्शंस मिल गए। तो विंडो एक्सप्लोरर आपकी फाइलों को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। जैसे मैंने यहाँ पर ई ड्राइव पर क्लिक किया तो अब ई ड्राइव में जितने फोल्डर या फाइल्स थी नजर आ गई। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे इस फाइल का नाम है pp.jpg, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर सर्च ऑप्शन। अब सर्च ऑप्शन पर जाकर के मैंने टाइप किया पीपी। अब मेरी इस ई ड्राइव में पीपी के नाम पर जितने भी फाइल या फोल्डर होंगे वो मुझे यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो देखिए पीपीटी, पीपी, पीपी, जिन भी फाइलों के नाम पे कहीं भी पीपी यूज हो रहा था वो सब यहाँ पर मुझे नजर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में इजीली चीजों को सर्च कर सकते हैं।